राधा दीदी, राधा दीदी को देखा है? राधा दीदी को देखा है? प्रिया दीदी आपने राधा दीदी को देखा है? अरे वो तो ब्रेकफास्ट में भी नहीं आई थी, रूम में ही होगी। रूम में? अच्छा रिजल्ट लग गया क्या? राधा दीदी, नामी दैनिक पत्रिका की रिसर्च के अनुसार सन 2006 में 5,857 छात्रों ने आत्महत्या की थी, यानी रोज लगभग 16 छात्र आत्महत्या कर रहे थे, और 2010 में यह आंकड़ा बढ़कर 7,379 हो गया, यानी हिंदुस्तान में हर रोज 20 छात्र आत्महत्या कर रहे थे। हर साल स्कूल से निकलकर कॉलेज में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन का स्तर भी। अब अगर ऐसे में आपको किसी अच्छे कॉलेज में एक अच्छा कोर्स मिल जाए और फिर आप उसमें अच्छे अंक पाकर पास हो सकें तो करियर में चार चांद लग जाते हैं, लेकिन इसी वजह से छात्रों पर अच्छे रिजल्ट लाने का दबाव भी लगातार बना रहता है। आज की हमारी कहानी ऐसे ही चंद स्टूडेंट्स के बारे में है, लेकिन ये कहानी सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स के दबाव के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली और उसे चलाने वालों पर भी कई सवाल खड़े करती है। संध्या भारती MBBS करने हॉस्टल में रहने आ गई। उसके माता पिता बेहद खुश थे कि अब उनकी बेटी उनका नाम रोशन करेगी। खुद संध्या भी बेहद उत्साहित थी। संध्या, देखो मैंने तुम्हारे कपड़े लगा दिए हैं। ये वाले है ना, बाहर जाते वक्त पहना और ये हॉस्टल में पहना, ठीक है? प्लीज रहने दो ना, मैं कर लूंगी, अब जॉब की बस छूट जाएगी। अरे पता है तुम कर लोगी। और सुनो, पापा ने धोबी से बात कर ली है, समझी? अरे राधा बेटी, आंटी प्लीज इस अलमारी में संध्या के कपड़े रखने के लिए थोड़ी जगह कर देना। आंटी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम दोनों एडजस्ट कर लें। मम्मी अच्छा सब छोड़ो, जाओ वरना आप लोग लेट पहुंचोगे। प्लीज राधा बेटी, तुम संध्या से सीनियर हो तो तुम इसे हमेशा गाइड करते रहना, क्योंकि हमारी संध्या कभी अकेली ऐसे घर से दूर नहीं रही। आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। बस ठीक है संध्या बेटा। मैं अभी अभी तुम्हारे हॉस्टल के वार्डन से मिलके आ रहा हूँ, बहुत अच्छी लेडी है। और हाँ, ये रही तुम्हारी मेस की टाइमिंग, और ये है तुम्हारे क्लास का टाइम टेबल, और हाँ ये है धोबी का नंबर, हफ्ते में दो बार आता है। ठीक है पापा, ये सब मैं रख लेती हूँ, अब आप जाओ, आपको लेट हो रहा है। देखो बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, हाँ तुम हमेशा अव्वल नंबर आई हो और यहाँ पे भी अव्वल नंबर आना होगा। जी मम्मी मैं कोशिश करूँगी। हाँ नहीं नहीं, कोशिश नहीं करना, तुम्हें करना है, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी सेकंड नहीं आया। मैं भी डॉक्टर हूँ और तुम्हें मुझसे अच्छी डॉक्टर बनना है। हाँ पापा। अरे बेटा देखो, कभी भी अपने पापा का सिर नीचे मत होने देना, अच्छे से पढ़ाई करना। अब हम लोग निकलते हैं। राधा बेटी जी, संध्या का ख्याल रखना। जी आंटी। चलो चलो बेटा। बाय बच्चा। दीदी सॉरी, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को ना मेरी बहुत टेंशन रहती है। अब मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं, अब दो तीन महीने के बाद मेरे मम्मी पापा भी आ जाएंगे, तब तुम सीन देखो। राधा बेटा जॉब करना है, इतना लोन जो लिया है तुम्हारे पढ़ाई के लिए, खाना ठीक तरह से खाती हो या नहीं, और ये कमरा इतना गंदा पड़ा हुआ है। अब चल मुझे पढ़ाई करनी है, हमारे एग्जाम्स अब 2 हफ्ते में शुरू होंगे। ओ। और फर्स्ट ईयर के क्लासेस तो गया, हफ्ते के बाद शुरू होंगे। तुम एक काम करो, आराम से सेटल वेटल हो जाओ, और चाहे तो अपना कॉलेज वॉलेज घूम के आ जाना। थैंक यू।
फर्स्ट ईयर डॉक्टर बनने आई है? क्या नाम है तेरा? जी संध्या भारती। महारानी का नाम संध्या भारती है, दिखाई नहीं देता, सीने से टकरा ही। लगता है तेरी आंखों की सर्जरी करनी पड़ेगी। चल तेरा ट्रीटमेंट कर, चल। बीवी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? फर्स्ट ईयर की है और सीनियर से बहस। रैगिंग जब तक चलती है बच्चों को रूम से 7 बजे के बाद बाहर निकलना मना है, पता नहीं था तुझको? चल मैं आज तुझे समझाती हूं। लेकिन दीदी रैगिंग अलाउड नहीं है। ओ तो फच्चे हमें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सॉरी सर, ये तुम्हारे सीनियर सर, सुपर सीनियर सर नंदू सर, सलाम करो इनको। दीदी लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में तो ये बॉयज अलाउड नहीं। ये नंदू सर है, ये कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, समझी? चल सैल्यूट कर। चल देख क्या रही है, सैल्यूट करना। इस नई बकरी का नाम क्या है? इस नई बकरी का नाम है संध्या भारती। ओ, रानी संध्या भारती। तो रानी साहिबा को लगता है कि अब इनके राज्य में रैगिंग नहीं हो सकती, है ना? जी सर। तो ठीक है, इनकी गलत फहमी अभी दूर कर दे, ले चलो। रुक, वो वार्डन और सिक्योरिटी वाले राउंड्स पे डी ब्लॉक से शुरू किया उन्होंने। तुम दोनों जल्दी भागो, भागो जल्दी। और तू तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? जल्दी चल ना, चल चल। दीदी लेकिन वार्डन और सिक्योरिटी वाले तो इंस्पेक्शन पे है ना? कोई नहीं आ रहा, इन्हें अगर पता चल गया तो ये तेरी अच्छे से रैगिंग करेंगे। नंदू स्टूडेंट काउंसिल का सेक्रेटरी है। अब सुन, अगले 2 हफ्ते तक शाम को अपने रूम से मत निकलना, ये दोनों हॉस्टल में बहुत बदनाम है और मुझे लगता है कि इन्हें अब तो पसंद आ गई, जो तेरे लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। बस इनसे दूर ही रहना। इसमें भी अगर तेरे कपड़े फिट ना हो तो मेरे कपड़ों के ऊपर रख देना। दीदी नो वॉट, ये तो बेस्ट। दीदी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक तरफ जहां संध्या अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई, वहीं दूसरी तरफ राधा अपने एग्जाम और देखते ही देखते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। मैं तो पूरी कंफ्यूज हो रही हूँ, इंसुलिन का मस क्या होता है? अरे लिम्स नॉर्ड के पैनक्रियाटिक रीजन होते हैं। नहीं यार क्यों कंफ्यूज कर रही है? इसलिए सेल्फ ट्यूमर होता है और डायग्नोसिस को Establish evidence of symptomatic hyperglycemia, या फिर ओह शिट भूल गई यार। कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, जब तक हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके सही बोल रही है यार, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। चल फिर लंच पे मिलते हैं मैस पे। ओके ओके सी यू, बाय बाय। देख रहा था तेरा पूरा करियर तेरे एक डिसीजन पर निर्भर करता है, इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। वो लोग तेरा इंतजार करें और तुझे कोई प्रेशर नहीं करेगा, डिसीजन तेरा ही होगा। मैं तो सिर्फ तेरी मदद करना चाहती हूँ, बस इसीलिए आ गई। आओ संध्या रानी, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसलिए अभी से कमर कस ले, समझी? अच्छा राधा चलती है, ऑल द बेस्ट। दीदी आप परेशान लग रहे हो, और ये क्यों आई थी यहाँ पर? बस ऐसे ही कुछ आई थी।
राधा दीदी। एक मिनट प्लीज, थोड़ा मुझे आगे जाने दो, थोड़ा सा प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। राधा माथुर, ये राधा माथुर लिखा है ना? हाँ राधा माथुर लिखा है, टॉप किया है। ओह गॉड, राधा दीदी ने टॉप किया है। ए, आपने राधा दीदी को देखा है? राधा दीदी को देखा है? ओफो, कहाँ चली गई? प्रिया दीदी, आपने राधा दीदी को देखा है? अरे वो तो ब्रेकफास्ट में भी नहीं आई थी, रूम में ही होगी। रूम में? अच्छा रिजल्ट लग गया क्या? राधा दीदी, कैसे हुआ ये? राधा तो एक बहुत ही अच्छी लड़की, बल्कि हमें तो उससे बहुत ही उम्मीदें थी, और उसने इस साल के एग्जाम भी टॉप किए थे। फिर? पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, कई स्टूडेंट्स तो टूट जाते हैं प्रेशर से। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बात बहुत चौंकाने वाली है, राधा जैसी स्टूडेंट भला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। वो रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले मैंने ये संध्या देखा राधा के रूम में। हाँ संध्या बताओ। सर मैंने देखा। I'm sorry आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये बेचारी बहुत ही शॉक्ड है, इसलिए इस वक्त आप इससे कुछ मत पूछिए। आप अपना स्टेटमेंट बाद में दे देना बेटा, जाओ अभी जाके अपने रूम में आराम करो। हाँ संध्या बेटी, मैडम ठीक कह रही, आज तुम रेस्ट करो, स्टेटमेंट कल देना। लेकिन साहब स्टेटमेंट तो कल भी ली जा सकती है ना? हाँ ठीक है। Thank you, Inspector. It's all right. देख संध्या, मेरी बात सुन, किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं समझती है? आप कुछ जानती हैं? आप पुलिस को क्यों नहीं बता देती हैं? मैं राधा दीदी को जानती हूँ, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। आप उस दिन आई थी ना दीदी को मिलने के लिए, उस रात से दीदी एक सेकंड के लिए भी चैन से नहीं रह पाई। बोलिए बोलिए आपने राधा दीदी को क्या कहा था, बोलिए। तू यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आई है या फिर डिटेक्टिव? हाँ सुन, ध्यान से मेरी बात सुन, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करेगी ना तो रे पर खुदा दूंगा मैं, मजे ही तब हो ऐसे। सर, एक सेकंड संध्या मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है। सच तो ये है, राधा का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, और वो एग्जाम के बाद लड़का न जाने कहाँ गायब हो गया। राधा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। बस इतना ही, अब तुझे लगता है तो जाके पुलिस वाले को बताना है तो बता दे, इससे होगा कुछ नहीं। बस राधा की बदनामी और उसके बेचारे माँ बाप, वो तो किसी को मुँह नहीं दिखा पाएंगे। अब फैसला तेरा है, पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं है। अब अगर तुझे लगता है बताना चाहिए, तेरा डिसीजन, जो तुझे करना है कर। समझ रही है ना मेरी बात संध्या? डिसीजन तेरा ही है, सोच समझ के लेना, ठीक है? अरे वो संध्या, माँ, 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 अरे पूरे कॉलेज में हम लोग ढूंढ रहे हैं तुझे। तू ठीक तो है ना? राधा दीदी, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है माँ, उनको पक्का किसी ने उकसाया है। क्या? हाँ पापा, ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है, और मैं पता लगा के रहूंगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो, इन सब बेवकूफी की बातों में मत पड़ो संध्या। अरे ये सब करोगी तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारा सारा पढ़ाई में ध्यान हट जाएगा। और ये मत भूलो कि तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा गया है। मैं अभी वार्डन से मिलकर आ रहा हूँ,
बड़ी मुश्किल से वो तुम्हारा रूम चेंज करने के लिए तैयार हुई है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखाओ, समझी? संध्या, तब वो एक कमजोर लड़की थी और उसके घर वालों ने उस पर और पढ़ाई का जोर दिया जिसे वो झेल नहीं पाई, बस। लेकिन पापा, बस अब और बहस करने की जरूरत नहीं है। राधा ने अपने माता पिता के नाम एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे कारण आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। किसी भी छात्र के आत्महत्या करने से उस कॉलेज की प्रतिष्ठा पर खासा धक्का पहुंचता है और अपनी इसी प्रतिष्ठा को बचाने की खातिर मैनेजमेंट ने इस केस को फौरन दबवा दिया। स्थानीय पुलिस भी कॉलेज के दबाव में आ गई और उन्होंने इसे एक सिंपल सुसाइड केस कहकर बंद कर दिया। संध्या की कहानी सुनने वाला अब कोई नहीं था। उसने कुछ प्रोफेसर्स और दोस्तों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन राधा के बारे में या उस रात संध्या ने क्या देखा था इस बारे में कोई कुछ बात नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, संध्या भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। देखते देखते एक साल बीत गया और फिर संध्या ने भी खुद को उसी दोराहे पर खड़ा पाया जहां एक साल पहले राधा खड़ी थी। तुम यहां क्या कर रही हो? बड़ी हिम्मत है तेरी, इतना सब कुछ हो गया फिर भी इसी रूम में रह रही है। मेरे पास तुम्हारे फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, पढ़ाई तो तू करती नहीं, तो बातों का टाइम क्यों नहीं है तेरे पास? फेल हो गई है तू। क्या क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ, एनाटॉमी और वाइवा में फेल हो गई है तू। जब पढ़ती नहीं तो सारे दिन करती क्या है तू? वाइवा तो मेरा अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन एनाटॉमी तो आपको किसने बोला? रिजल्ट आउट होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, मगर मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिन्हें सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। अब मैं क्या करूंगी? तो प्रॉब्लम हो गया ना, मम्मी पापा भी गुस्सा करेंगे। चल मेरी बात सुन। देख, मेरा एक दोस्त है जो कॉलेज में सबको जानता है, वो चाहे तो तेरी मदद कर सकता है। नंदू, नंदू सर को जानती है ना? नंदू चाहे ना तो तुझे पास करा सकता है। इसके लिए तुझे कुछ लोगों के साथ सोना पड़ेगा। हाँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी, मैंने भी ये सब कुछ किया। नंदू सर आज मेरे रूम में 2 बजे तेरा वेट करेंगे, अगर तू चाहे तो आ सकती है, डिसीजन तेरा ही होगा। समझ रही है ना मेरी बात? और सुन, जो भी डिसीजन लेना, राधा की तरह कोई बेवकूफी मत करना। मैम, आपकी हेल्प चाहिए। मैम, यहाँ सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी प्लीज। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैम, राधा दीदी के साथ भी इन्होंने ऐसे ही कुछ किया था, आप इनको पकड़ा सकती हैं। मैम देखो संध्या, मैं इसके बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैनेजमेंट को भी इसके बारे में कई सालों से पता था, लेकिन कोई भी इस पे एक्शन लेना ही नहीं चाहता है। अब अगर इस पे तुमने कोई भी एक्शन लिया तो अगले एग्जाम में तुम फेल कर दी जाओगी, और पता नहीं तुम्हारी इन बातों पे कोई विश्वास करेगा या नहीं। पर मैम, आप तो वार्डन है, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्लीज मैम, जाओ अपने कमरे में। वो लोग तेरा इंतजार करेंगे और तुझे कोई प्रेशर नहीं करेगा, डिसीजन तेरा ही होगा। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट भी इस सब के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर इस पे तुमने कोई भी एक्शन लिया तो अगले एग्जाम में तुम फेल कर दी जाओगी। तुम्हें मुझसे अच्छी डॉक्टर बनना है। कभी भी अपने पापा का सिर नीचे मत होने देना, अच्छे से पढ़ाई करना। मैम,
मैं अपने पापा का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। क्या बात है, ये 2 बजे आएगी क्या? तो इन सबका क्या प्रॉब्लम है, आखिरी मिनट पर क्यों आते हैं? आ जाएगी सर, आ जाएगी। आप रिलैक्स कीजिए ना। और अगर सर नहीं आई ना तो उसका जीना हराम कर दूंगी। आज दिन में इतना परेशान करूंगी, सारे डॉक्टरी भूल के घर भाग जाएगी। That's good. अच्छा सर, वैसे आप मुझे मार्क्स कितने दे रहे हैं? सर वो अपने त्रिभुवन सर ने मुझे फर्स्ट डिवीजन दिया। आप सेकंड दे देना। अच्छा बाबा ठीक है, अरे तुम तो इकलौते स्टूडेंट हो जो कम मार्क्स मांगता है। सर ये बात देखो सर, आ गई अपने माँ बाप का राम रोशन करने। पकड़ लो उन सबको, चलो आओ निकलो, चल चलो। संध्या की हिम्मत और उसके बयान की वजह से तिवारी मेडिकल कॉलेज के इस शर्मनाक कांड का पर्दाफाश हो गया। केस की सुनवाई के दौरान कई और ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में पता चला जिन्हें राधा की ही तरह डरा धमकाकर प्रोफेसर्स और सीनियर्स के साथ सोने पर मजबूर किया गया था। पुलिस ने मैनेजमेंट और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के कई सदस्यों और हॉस्टल वार्डन को अरेस्ट किया। कई कर्मचारी और सीनियर स्टूडेंट्स को भी सस्पेंड किया गया। सरकार ने फौरन एक नई मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया और कॉलेज में नए प्रिंसिपल को अपॉइंट किया। इस सब के बाद संध्या को दूसरे शहर के दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर मिल गया। अब कुछ ही सालों में वो अपनी डिग्री पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी। संध्या आज भी अपनी राधा दीदी को याद करती है, लेकिन अगर संध्या भी राधा की तरह सब कुछ चुपचाप सहती जाती तो शायद इस सच पर से कभी पर्दा नहीं हट पाता। संध्या के हौसले की वजह से ही आज ये कहानी हम आप तक पहुंचा पाए हैं। लेकिन जितना विभत्स ये कांड था उतना ही अफसोसनाक इस केस का दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि गुनाहगार इस गुनाह को सिर्फ इसलिए अंजाम दे पाए क्योंकि उन्हें पता था कि छात्रों पर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने का कितना दबाव बना रहता है। हमारे यहाँ इम्तिहान में फेल होने से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, और इस डर से छात्रों के माँ बाप, उनके टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल, यहां तक कि उनके साथी भी इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने का दबाव लगातार बनाए रखते हैं। याद रखिए, हर छात्र का एक अलग रुझान, अलग हुनर होता है, और इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें उनके अपने अपने हुनर में और ज्यादा निपुण बनाना। इसलिए सावधान रहिए, कहीं अनजाने में आप भी कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि आपके छात्र, आपके बच्चे इस फिजूल के दबाव में पिसकर अपना बचपन ही खो बैठे। अगर हमें एक सुरक्षित समाज बनाना है तो हम सभी को सावधान रहना होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और नई कहानी के साथ, और आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान।